जाएंगे तो शिक्षक यूनिवर्सिटी बन रहे हैं कौन, आप पेपर पर अपने सही की रोल बजाते हैं, नजर इस वाइट और इस रॉन्ग, नजर वाले माथे पर हर स्ट्रॉन्ग को पकड़ के उठाया जाता है। दिस इज दैट योर हार्ट एंड टंग एंड सोल कनेक्ट टू योर पेन एंड योर पेन टचेस द पेपर, दिस इज योर राइट एंड योर रॉन्ग, दैट योर स्ट्रॉन्ग इज द हार्ट। तो हार्ट कैसे के पैमान का मतलब यह है कि तमाम आर्टिस्ट जो भी स्ट्रॉक्स लगाते हैं पेपर के उन तमाम स्ट्रॉक्स को सीनियर की गाइडेंस में कई तरीके में बदलाया जा सके, बिकॉज आर्ट कैन टेक यू टू द राइट वे एंड आर्ट कैन इजीली इंटरफेयर यू, बिकॉज साइंस डिमांड टू कंपनी है, आर्ट कैसे डिमांड टू कंपनी है, इट्स सिंपली दैट वेदर टू राइट वे आर एन डिफरेंट यू। हमने यह चाहेगा आपकी एक मिनट की खामोशी तैयार करेंगे, तमाम साहिबान से गुजारिश है जो अपनी सीटों पर एक मिनट के लिए कर लो। थैंक यू। एक ऐसा इदारा है कि जो अच्छे काम करता है और करता रहा है,
में यही बात सामने आई कि यहाँ एक आदर्शी बन रही है और एक बात स्कूल आ रही है जिसकी और भी मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरा तारों की एक आज स्कूल के साथ है और मैं अब ये जाने लगा हूँ कि आंदा आने वाला वक्त हमारी कोशिश में और अच्छा हो हमारे बच्चे यहाँ आए आपके बच्चे हमारे स्कूल में जाए हमारा स्कूल बाकी दरवाजे के अंदर है न स्कूल आप आएंगे आपको खुशी भजन जी बहुत सारी रिवाजात हैं और मैं इरादा करना चाहूंगा कि मैं पहली मरतबा जब यहाँ आया ये 1950 या 1951 का वक्त है तो इसी हाल के अंदर जनाब साहब श्री साहब उनके साथ एन एन हाजर साहब ये दोनों उस्ताद अपने वक्त के बेहतरीन मुकबर थे उन्होंने निमंत्रण उस्ताद अहमद साहब ने एक पोर्ट्रेट बनाया और एक बुरे आदमी का चिंता कोई और फिर उन्होंने एक फिगर बनाई ह्यूमन फिगर सुनिएगा उन्होंने कॉम के नाखून से शुरू होकर ऊपर तक और मुकम्मल एक फिगर जो है उन्होंने बताई और अपने मन का वो साफ एनम बाजादार ने कांग्रेस किया वाइस पेंट किया और सामने मॉडल बैठा हुआ था और उन्होंने पेंट किया और लाला ये एक पहला मेरा मौका था जहां आने का अगर कि उसके बाद आते जाते रहे मगर ये कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने एक छोटे से लेटर में दी है इसका मुझे नहीं आज की जो मैसेज सजाई गई है नाम अक्सर बाय साहब के सिलसिले में नाम अक्सर साहब के सिलसिले में और उनके प्रधान ने ये बहुत बड़ा कारनामा है डॉक्टर मोहन साहब से मेरा ताल्लुक रहा क्योंकि वो अक्सर नुमाइंदगी करते रहते थे और मुझे वो अच्छे क्यों लगे कि वो इन्वॉल्व थे अपने काम के अंदर मोहब्बत की प्यार था उनको अपने काम और भरपूर तरीके से उसमें वो हिस्सा लेते थे साथ उनकी नुमाइंदों में जाने का इतफाक हुआ मैंने उनकी बताकियां भी कही थी अपने लड़के के एक दिन मैंने उनसे बात की कि उस्ताद मुहतरम आपके काम में आपकी जो बताकियां हैं इनमें खास किस्म की रवानी है और इनको नहीं है धर्म की जरूरत नहीं है अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करें तो इनमें कोई ना रहता और ये वाकई बावजूद थोड़ा जो उन्होंने फिर मेरी तरह बात मानी या अपनी तरफ से मैंने बनाई और वो बताकियां मैंने क्योंकि वो नेटेड वॉइस में खतार शोक लगाता है अपने कलम का हमारे यहां जहां बहुत सारे हिंदुस्तान बच्चे हैं खासतौर पर गौर का और गौर साहब ने एक खताती दीजिए आपको लिखने के लिए मिली है और मैंने दूर से भी देखी और मैंने मनोहर साहब से पूछा कि ये किसकी है अनंतनाथ गौर का उसमें आप देखिएगा दोबारा देखिएगा एक रवानी है और उन्होंने कोई इधर करने की कोशिश नहीं की उसी तरह से उसको उसी कोर्ट